बहुत शुक्रिया मोहम्मद शफीक आपका। और नजी हम एक रिपोर्ट भी शायर करेंगे जिस हवाले से आपको भी बताते चलें कि मशहूर शायर इब्न इंशा की बरसी आज मनाई जा रही है। इस हवाले से देखते हैं एक रिपोर्ट। पंद्रह जून 1927 को जालंधर के नवाही गांव में पैदा होने वाले शेर मोहम्मद खान को दुनिया आज इब्न इंशा के नाम से जानती है। उन्होंने इंशा नाम क्यों अख्तियार किया इस बारे में वो खुद कहते हैं, चूंकि मेरे नाम में खूंखार दरिंदे का जिक्र आता था इसलिए मैंने उसे तब्दील कर दिया। उनकी शायरी में अजब मौसीकियत पाई जाती थी जो सुनने वालों को बार बार उनकी शायरी सुनने पर मजबूर कर देती है। दिल ने हमारे बैठे बैठे कैसे कैसे रोक लगाए, तुमने किसी का नाम लिया और आंखों में अपनी आंसू आए। इश्क किया है किससे किया है, कब से किया है कैसे किया है, लोगों को एक बात मिली अपने को तो लेकिन रोना आए। इंशा जी ने 1946 में पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए किया, फिर कराची यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की। कई सरकारी मुलाजमतों के अलावा रेडियो पाकिस्तान से भी उनकी वाबस्तगी रही। अक़वामे मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी के फराइज अंजाम देते रहे। इंशा वाज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन आल्सो, एक बहुत अच्छा आदमी था। बहुत ज्यादा खिदमत नहीं कर सकता था लोगों की, उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी और पैसा भी नहीं था उसके पास, ना इतनी तनख्वाह थी, लेकिन जितनी कर सकता था उतनी की और मशवरे बहुत अच्छे देता था। लिए बैठ रहता था लोगों को, खुश रखता था, प्लेजेंट आदमी था, प्लेजेंट रखता था। बस मर गया, मेरा बेहतरीन दोस्त था। दिल इश्क में दिल पाया सौदा हो तो वैसा दरिया हो। इंशा जी का दौर कदावर शौरा का दौर था जिसमें फैज अहमद फैज, नासिर काजमी और मुस्तफा जैदी जैसे बाकमाल शौरा मौजूद थे, लेकिन उन सब से अलग इंशा ने अपनी तर्ज निकाली। इस बस्ती के कूचे में चांद नगर और दिले वहशी उनकी शायरी के तीन मकबूले आम मजमुए हैं। फर्ज करो हम अहले वफा हों, फर्ज करो दीवाने हों, फर्ज करो ये दोनों बातें झूठी हों अफसाने हों, फर्ज करो ये जी की बिपता जी से जोड़ सुनाई हो, फर्ज करो अभी और हो इतनी आधी हमने छुपाई हो। इंशा जी के फिकाहिया मजामीन के मजमुए खुमारे गंदम और उर्दू की आखिरी किताब उर्दू अदब में इजाफे और क्लासिक की हैसियत तो रखते ही हैं, साथ ही साथ उनके सफरनामे आवारागर्द की डायरी, दुनिया गोल है, इब्ने बतूता के ताकुब में, चलते हो तो चीन को चलिए और नगरी नगरी फिरा मुसाफिर उर्दू सफरनामों में संगी मील की हैसियत रखते हैं, जबकि उनके मुंतखब कॉलमों पर मुश्तमिल किताब आपसे क्या पर्दा पढ़ने वालों में आज भी बेहद मकबूल है। इंशा जी ने नजर और शायरी दोनों में ही फारसी जबान का इस्तेमाल बहुत ही खूबसूरती से किया है। इंशा जी की शायरी की मूसीकियत की बदौलत बहुत से गुरुकारों ने खूब शहरत कमाई है, जबकि उनके बाद अशार तो जरबुल मिसल की हैसियत अख्तियार कर चुके हैं। इंशा जी के बारे में नामवर अदीब इंतजार हुसैन कहते हैं कि ये अजीब बंदा है कि जिसने नसर लिखा तो एक लफ्ज संजीदा नहीं लिखा और शायरी लिखी तो एक लफ्ज मिजाह का नहीं लिखा। अब पूछ करो इस शहर मदीने को लगाना का इंशाजी। इंशाजी उठो अब कूच करो इस शहर में दिल को लगाना क्या। 11 जनवरी 1978 को इब्न इंशा 50 साल की उम्र में लंदन के एक अस्पताल में कैंसर जैसे मुझी मर्ज से लड़ते हुए अपने खालिक हकीकी से जा मिले। जब तक दुनिया में उर्दू जबान बोली और समझी जाती रहेगी, इब्न इंशा का नाम भी हमेशा जिंदा रहेगा। बीनिश सदीका, आज न्यूज कराची।